हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट लगभग साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते अपनी पूरी क्रिप्टो गुरु फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहे हैं कि आखिर बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या रहने वाला है, इस समय बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट करके बाहर हो जाना चाहिए। जानेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जो मैंने पुटअप किया वो यही है कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट विजिट करेंगे आप तो टोटल मार्केट कैप आखिर कितनी रह गई है, तो 847 बिलियन डॉलर की है जो कि बहुत ही कम हो चुकी है। उसके बाद में बात करेंगे कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो टोटल डोमिनेंस है वो बिटकॉइन का अभी जो चल रहा है वो 38% के आसपास आ चुका है। इथेरियम के डोमिनेंस की बात कर ले तो 18.3% के आसपास चल रहा है और बिटकॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 16,800 डॉलर के आसपास चल रहा है। इथेरियम का जो करंट प्राइस है वो 1,250 डॉलर के आसपास चल रहा है। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर, आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूं क्योंकि मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। सो मैंने ये सोचा पर्सनली कि आप सभी लोगों के साथ में भी ये चीज शेयर किया जाए। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानते भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सभी लोगों को पता नहीं है और ये चीज कहीं आपको रिटेन में नहीं मिलने वाली है। ये उसी को पता होगा जिसको नॉलेज और एक्सपीरियंस है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिटकॉइन की बात कर ले, करंट में तो अभी 22% के आसपास चल रहा है। और अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों के लिए मैंने डिजाइन किया है, वो चीज जानना जरूरी है कि अगर फियर एंड जो ग्रीड इंडेक्स है वो यहां पर बिटकॉइन का अगर यहां पे लेस देन आर इक्वल टू यहां पर 20% रहता है, मतलब अगर 20% रहता है या फिर 20% से नीचे रहता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो मार्केट का सिनेरियो क्या होता है बिटकॉइन का। तो यहां पे सबसे पहली चीज तो मार्केट पूरी तरीके से लगभग साइडवेज में ही चलती है। उसके बाद में पैनिक, यहां पर चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, खासकर वो लोग ज्यादा पैनिक करते हैं जिन लोगों के साथ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है और बिल्कुल भी बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के नए इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और उसके बाद में यहां पर फुल नेगेटिव न्यूज मार्केट में पूरी तरीके से, यहां पर पूरी तरीके से नेगेटिव न्यूज ही वायरल होती रहती है जिसमें जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हैं। और सबसे ज्यादा मजा कौन लेता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो व्हेल्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स भाइयों के साथ में यहां पर इमोशंस के साथ में गेम प्ले करते हैं और वही जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद में यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीड पेशेंस। अभी का जो करंट सिचुएशन चल रहा है, यहां पर जिसने भी पेशेंस रख लिया मार्केट में, यकीन मानिए वो बहुत ही ज्यादा पैसा बना करके जाएगा। और जिसने यहां पर अपना पेशेंस खो करके अपनी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% सोल्ड आउट कर देता है तो वो बाद में बहुत ही ज्यादा पछताने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी था। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि 20% या 20% से नीचे, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 15% हो, यहां पर अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी अच्छे अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं मार्केट में। और सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि यहां पर आपको अपनी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन उसके बाद में बात करेंगे वाइस वर्सा की। अगर यहां पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो अभी यहां पर फियर एंड ग्रीड मैंने इंडेक्स बताया कि 20% या 20% नीचे रहता है तो ये चीजें होती हैं, लेकिन अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो बिटकॉइन है वो यहां पर 90% से ज्यादा या 90% अगर 90% या 90% से ज्यादा रहता है तो तब मार्केट में क्या सिनेरियो रहता है, जस्ट अपोजिट होता है। मार्केट पूरी तरीके से ग्रीन होती है, चाहे वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे ओल्ड कॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, जो भी हो, यहां पर पूरी तरीके से ग्रीन में चलती है। और उसके बाद में पूरी वर्ल्ड वाइड, चाहे वो वेल्स हो, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो, सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। क्यों? उसकी वजह यही है कि आप लोगों को याद होगा जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगभग 69,000 डॉलर का लगाया था तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 90% से ज्यादा ही था। तो यहां पर क्या हुआ था, जब मार्केट ऊपर गई थी तो सभी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और अच्छा खासा यहां पर क्या हुआ, लोगों के बीच में हैप्पीनेस दिखाई दिया। उसके बाद में यहां पर पूरी तरीके से क्या होता है कि मार्केट में पूरी वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव न्यूज चलती है। और अब यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो एक स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, वो लोग यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑल टाइम हाई पे बाई कर लेते हैं और फंस जाते हैं। तो यहां पर क्या करना है, कंट्रोल योर इमोशंस। आपको क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, जब टॉप पे होती है, जब 90% से ज्यादा होता है, तो क्या करना चाहिए आपको, अपने इमोशंस को कंट्रोल
रोल करना चाहिए और यहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे, जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर फंस जाते हैं टॉप पर। उसका रीजन यही है कि मार्केट में जब ये 90% से ज्यादा हो जाता है, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे होता है, पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आती है कि बिटकॉइन $1,00,000 जाएगा, $2,00,000 जाएगा, $5,00,000 जाएगा, वहां पे जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो लोग यहां पर टॉप में फंस जाते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ये चीज जो मैंने बताया है अपना नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ में आपको पता था या नहीं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में बात करेंगे जो बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चीज आपके लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जून, जुलाई और अगस्त, 2-3 महीने मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाए थे, मुझे स्टोन हुआ था और उसके बाद जब मैं रिकवर हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था, तो 3-4 महीने मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस बनाए थे और कम से कम इसमें बिटकॉइन नेक्स्ट मूव का 15-20 वीडियो बनाया था। चैनल विजिट करके आप लोग जरूर एक बार खाली टाइम में चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है। तब वहां पे क्या चल रहा था, बिटकॉइन का जो टोटल मार्केट कैप था वो $1.5 trillion के आसपास होती थी, बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 48% के आसपास होता था और बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 29,000 से $30,000 के जोन में चलता था। उसके बाद में यहां पर क्या मैंने बताया था, जब यहां पर बिटकॉइन $30,000 पे था तब मैंने इन 10-15-20 वीडियो में यही बताया था कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है टोटल वो लगभग $500-600 billion तक जा सकती है और आप सोचिए कि $1.5 trillion से लगभग $800 trillion यहां पे जो 846 यहां पे बिलियन डॉलर की मार्केट कैप आ चुकी है। कहने का मतलब सिंपल सा है, जो $1.5 trillion की मार्केट कैप होती थी उससे कहीं लगभग आधा आ चुकी है। तो आपको कि ये लगभग चीजें सही हो रही हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस बताया था कि अगर 40% या 40% से नीचे चला जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस $14,225 तक आ सकता है। ये चीज मैंने अपने कई वीडियो में बताया है और जब प्राइस चल रहा था $29,000 और $30,000 के आसपास, तब उस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, $30,000 से बिटकॉइन 14,000 तक नहीं जाएगा। लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब यहां पर बात करेंगे कि आखिर अब बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव जो है वो अभी यहां पर साइडवेज में ही रहने वाला है, डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग $16,000 और $17,000 के जोन में है और थोड़ा सा भी अगर फ्लैश क्रैश हुआ तो $14,225 तक चला जाएगा, जो कि मेरा पर्सनल मानना है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि क्या बिटकॉइन $14,225 को टच करेगा या फिर नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पूरी वर्ल्ड वाइड यहां पर सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है जिसकी वजह से मार्केट अभी बुल ट्रेंड में या फिर बुल रन या फिर अप ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, तो इसलिए यहां पर आप लोगों को पेशेंस की जरूरत है। उसके बाद में बात करेंगे, जब मैंने बताया था कि $30,000 से बिटकॉइन का प्राइस $14,225 तक जा सकता है, तब वहां पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में नेगेटिव कमेंट किए थे कि इतना ज्यादा कैसे डंप हो सकता है, लेकिन वो चीजें सही हो गई और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में लगभग चाहे जो भी हो वो यही कहता है कि बिटकॉइन $12,000 आएगा, $10,000 आएगा, $14,000 आएगा, हर एक तरीके से आपको लोग बता रहे हैं। तो यह चीज मैंने आपको 4-5 महीने पहले बताया था, 10-15 वीडियो भी बनाया था, प्रूफ आज भी अवेलेबल है, तो अपनी जितनी भी पुरानी फैमिली मेंबर्स है वो सभी लोग इस चीज का एडवांटेज जरूर ले रहे होंगे। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप में से बहुत सारे लोग जो नए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर वीडियो में कमेंट किया करते हैं कि बिटकॉइन तो डूब गया है, बिटकॉइन तो स्कैम कर गया है, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं बचा है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से यहां पर कभी भी बिटकॉइन का प्राइस जीरो, स्कैम या खत्म नहीं होने वाला है। यह चीज आप नए इन्वेस्टर्स हैं जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं, 3-4 साल बाद आप खुद मिलिएगा, आप भी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में खुद करने वाले हैं। और उसके बाद में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर पे लोग सवाल उठाते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कुछ भी नहीं होने वाला है, तो यही चीज 2016 में भी हुई है, 17 में भी हुई है, 18 में भी हुई है, 2021 में भी हो रही है और 22 में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा वर्ल्ड वाइड नेगेटिविटी चल रही है। तो यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट डंप हो गई है, मार्केट साइडवेज में चल रही है, नए लोग परेशान है, यह बहुत बार हो चुका है, बस टाइम की बात है। अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हो जाते तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता, तो इसलिए यहां पर आप लोगों को पेशेंस की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस इसलिए जरूरत है कि जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर क्या होता है, अभी जो करंट सिचुएशन है वो 80-90% लोगों का पोर्टफोलियो डाउन ही है। तो आप खुद सोचिए, जब 80-90% पोर्टफोलियो आपका डाउन है तो यहां पर अगर आप सेल भी करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% आपको मिलने वाला है या 20%।
तो इसलिए मेरे हिसाब से जब आपने 80-90% आपने अपना पोर्टफोलियो गायब करवा दिया तो 10-20% को होल्ड कर लीजिए, हो सकता है कि रिकवर भी हो जाए और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी मिल जाए। एक चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताना चाहता हूं कि अभी का जो भी आपका पोर्टफोलियो है अगर आपने 2-3 साल 4 साल के लिए होल्ड कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में नहीं बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में मिलेगा, बहुत ही ज्यादा आपका जो फंड है वो मल्टीपल एक्स आपको प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन कंडीशन यह है कि जो भी आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए अभी होल्ड करना है, लेकिन कंडीशन यह है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड प्रोजेक्ट को ही होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि FTX जैसा या टेरा लूना जैसा या फिर मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो स्कैम और फ्रॉड करके चले जाते हैं। तो इसलिए अच्छे अच्छे कैटेगरी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करना है। अब एक चीज और आपको बताना है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कोई नहीं जानता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब स्कैम करेगा कब नहीं करेगा, तो इससे बचने के लिए हमें यहां पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मस्ट है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डाइवर्सिफिकेशन चाहे वो मनी का हो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का हो चाहे वो एक्सचेंजेस का हो या फिर वॉलेट्स का हो, हर जगह डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है पैसे की बात कर ले तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना है, क्वाइन की बात कर ले तो अलग अलग क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सचेंजेस की बात कर ले तो अलग अलग एक्सचेंजों में इन्वेस्टमेंट करना है चाहे वो सेक्स वाले हो चाहे वो डेक्स वाले हो या फिर वॉलेट वाले हो। तो अलग अलग आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है कि इसमें से कोई भी स्कैम फ्रॉड अगर करता है तो आपका पोर्टफोलियो मिनिमम टू मिनिमम यहां पर फंड लॉस हो, बाकी का जो पोर्टफोलियो है वो बच सके। उसके बाद में बात करेंगे, एक फैक्ट आप लोगों को बताता हूं जो भी मेरा नॉलेज एक्सपीरियंस है कि 90% ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं चाहे वो शेयर मार्केट के हो, स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो या फिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के मार्केट हो, 90% ऐसे लोग होते हैं जो अपना पैसा यहां पर डुबा जाते हैं और वही लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट सट्टाबाज है, यहां पे सट्टेबाजी होती है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, यही लोग गालियां देते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा पैसा बना जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी होती है इमोशंस को कंट्रोल करने की, पेशेंस को कंट्रोल करने की, जिसकी वजह से यही लोग अमीर बनते हैं। और आप लोगों को अगेन मैं आप सभी लोगों को ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि कुछ आपको मोटिवेशन दे सकूं ताकि आप लोगों की जो होल्डिंग पावर है वो और इंक्रीज हो सके, जो पेशेंस की पावर है वो और डेवलप हो सके और आप लोग पैनिक करके अपने भी जो भी पोर्टफोलियो में आपने होल्ड किया हुआ है उसको सोल्ड आउट बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड तो कमेंट्स करके आप लोग पूछ लीजिएगा। और हां, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होते हैं जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया करते हैं, अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है मेक श्योर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।